गुड इवनिंग दोस्तों, मैंने आज भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंपाइल किया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखते रहिए और हम लोग कुछ रिसेंट टॉपिक्स पर, रिसेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इन न्यूयॉर्क इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ट्रायलेटरल मीट विथ टू अदर कंट्रीज। सो रिसेंटली न्यूयॉर्क में इंडिया दो मतलब एक ट्राइलेटरल मीट में पार्टिसिपेट किया है विथ टू अदर कंट्रीज। सो वो कौन से दो देश है जिनके साथ इंडिया एक ट्राइलेटरल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया न्यूयॉर्क में? तो वो दोनों कंट्री है आपका यूएई और फ्रांस। ओके, यूएई और फ्रांस। तो आपका जो अभी यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसकी साइडलाइन में एक मीटिंग हुआ, ये मीटिंग हुआ जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने जो मिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद है, मिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर है उनसे, और जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर है कैथरीन कोलोना। सो कैथरीन कोलोना फ्रांस के यूरोपियन अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्टर है, और मिस्टर जो जायद है अब्दुल्ला बिन जायद वो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर है। तो हमारे जयशंकर जी ने इन दोनों लीडर से बातचीत की, ट्राइपार्टी बातचीत में पार्टिसिपेट किया न्यूयॉर्क में इन द साइडलाइन ऑफ, जब मतलब इवन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है न्यूयॉर्क में उसी दौरान बातचीत में पार्टिसिपेशन किया। और ये जो मतलब टॉक था, ये जो मीटिंग था, इसको यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने ही होस्ट किया था, मिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद ने ही इसको होस्ट किया था। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। व्हिच हाइपरसोनिक मिसाइल इज बीइंग यूज्ड बाय रशियन मिलिट्री इन द ऑनगोइंग वॉर विथ यूक्रेन? यूक्रेन के साथ जो अभी रशिया का वॉर हो रहा है, तो रशिया कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को यूज़ कर रही है? ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने कई बार ये मिसाइल सिस्टम को यूज़ किया है, तो उसका नाम है किंजल। ओके, उसका नाम है किंजल। जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है ये रशिया यूज़ कर रही है। किंजल का मतलब होता है डैगर, रशियन लैंग्वेज में जो डैगर होता है बड़ा जैसे नाइफ जैसा होता है, तो वही मीनिंग है किंजल। सो किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो व्हाट इज हाइपरसोनिक मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर एक्चुअली स्पीड है जो वो हाइपरसोनिक मिसाइल का अराउंड 5 to 25 times ज़्यादा होता है देन द स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड है उससे 5 से 25 गुना ज़्यादा स्पीड होता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। तो ये रशिया ऐसा बताया जा रहा है कि कई बार मतलब यूक्रेन पर इससे हमला कर चुकी है। और रिसेंटली तो ये भी बताया गया कि एक जो ऐसा मिसाइल है किंजल मिसाइल, वो रशिया के टेरिटोरी पर ही मतलब उसको गिराया गया, उसको मिस फायरिंग हो गया। मतलब जो रशियन एयरक्राफ्ट ने जो मिसाइल फायर किया था वो मतलब रशिया के अंदर ही जाके वो विस्फोट हुआ, ऐसा भी बताया जा रहा है एक रिसेंट न्यूज़ में। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। वेयर इन इंडिया हैज़ ए मल्टीप्लेक्स बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया की कौन सी शहर में एक मल्टीप्लेक्स का मतलब इनोग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है अभी अभी रिसेंटली? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो कैपिटल सिटी है श्रीनगर, वहाँ पे अभी अभी एक मल्टीप्लेक्स मतलब आज ही के दिन मतलब एक मल्टीप्लेक्स का इनोग्रेशन किया गया। तो वहाँ के जो मतलब जो लेफ्टिनेंट जनरल है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसमें 3 हॉल होंगे, 3 मूवी थिएटर होंगे, और जिसमें अराउंड कहा जा रहा है कि अराउंड 520 लोग मतलब लोगों की सीटिंग कैपेसिटी भी है।
और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1990 में जब मतलब टेररिज्म पीक पे थी या मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी, तब कश्मीर में सभी सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिए गए थे। और उसके बाद ये मतलब पहली बार हो रहा है इन लास्ट 32 ईयर्स की एक मूवी मतलब एक मल्टीप्लेक्स हो या मूवी थिएटर जो हो वो श्रीनगर में या जो जम्मू कश्मीर में वापसी कर रही है। और जो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ चिल्ड्रन फ्रेंडली मूवी उसमें मतलब दिखाया जाएगा, वैसी मूवी से शुरुआत होगी। और लाल सिंह चड्ढा मूवी जो है रिसेंटली आई थी, आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा, उस फिल्म को भी मतलब मल्टीप्लेक्स में दिखाया जाएगा इनिशियली। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कश्मीर की टूरिज्म में, मतलब जो आर्टिकल 370 मतलब विड्रॉ किया गया था उसके बाद से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट बोल सकते हैं हम लोग कश्मीर वैली में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। हुच नेवल शिप हैज बीन डिकमीशन्ड ऑन सितंबर 19? सो हुच एक्चुअली इंडियन नेवल शिप जो INS बोलते हैं, इन शॉर्ट कई सारे INS है इंडियन नेवी के पास। हुच INS शिप हैज बीन डिकमीशन्ड ऑन सितंबर 19? तो दोस्तों इसका आंसर है INS अजय। ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप INS अजय को डीकमीशन किया गया है आफ्टर अराउंड 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, सो इन द ईयर 1990 दिस वॉज कमीशन, INS अजय को कमीशन किया गया था जॉर्जिया में। जॉर्जिया एक कंट्री है और बैक इन 1990s वो USSR में हुआ करती थी, जो इन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थी वहाँ पे हुआ करती थी। तो वहाँ पे पहली बार ये वॉरशिप को मतलब कमीशन किया गया था। और आफ्टर 32 ईयर्स इन इंडियन नेवी दिस हैज़ बीन डीकमीशन। और मुंबई डॉकयार्ड में हो गया, जो मुंबई की नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे इसको डीकमीशन किया गया इन मुंबई। जो नेवी है, नेवी ने अपने तरीके से मतलब उन लोगों का जो फॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है डिकमीशन करने का उसको फॉलो किया। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि नेम द प्री हिस्टोरिक फॉसिल डिस्कवर्ड रिसेंटली व्हिच इज सिमिलर टू मॉडर्न डे लिजर्ड। अभी अभी एक प्री हिस्टोरिक फॉसिल जो है उसकी डिस्कवरी की गई है जो आज के दिनों के मतलब लिजर्ड जैसी है। ठीक है, तो इसका नाम दोस्तों कुछ ऐसा है रिंकोसेफालियंस, रिंकोसेफालियंस। तो नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाम पर थोड़ा मतलब लंबा नाम है। तो रिंकोसेफालियंस एक मतलब प्री हिस्टोरिक फॉसिल है जिसकी अभी अभी डिस्कवरी की गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एग्जिस्ट किया करती थी 200 to 145 million years ago। ठीक है, बहुत दिनों पहले। मतलब क्या हुआ, 200 मिलियंस मीन्स आपका ये हो गया 20 करोड़। ओके, 20 15 करोड़, अराउंड 20 15 करोड़ साल पहले ये एग्जिस्ट किया करती थी। तो आप लोग मतलब समझ चुके होंगे कि प्री हिस्टोरिक बहुत पुरानी है ये फॉसिल। और एक बार आप लोग इसका नाम देख लीजिए, रिंकोसेफालियंस। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो उस वक्त दुनिया मतलब उस वक्त की दुनिया में ये राज करते थे ऐसा कहा जा रहा है, जो मतलब पानी में भी शिकार कर सकती थी और वो मतलब लैंड में भी शिकार कर सकती थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब बहुत ही प्रीडोमिनेंट रेप्टाइल था, एक्चुअली ये रेप्टाइल था, बहुत ही प्रीडोमिनेंट रेप्टाइल था बैक देन, जो आज की लिजर्ड जो आपकी छिपकली हो गई वैसी है। तो दोस्तों यही था आज का आखिरी का सवाल। तो आई होप कि ये जो सेशन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।